वहीं महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एक बड़ा बयान दिया है। राहुल नार्वेकर ने कहा कि उन्हें अभी तक शरद पवार गुट की तरफ से कोई भी लेटर नहीं मिला है जिसमें अजित पवार के साथ गए विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई हो। कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष का पद पर दावा करने को लेकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि नेता विरोधी दल को लेकर विधायकों की संख्या देखेंगे और उसी हिसाब से आगे का फैसला लिया जाएगा। सबसे पहला सवाल कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है 9 MLAs का राष्ट्रवादी के, आपको प्राप्त हुआ है, कितना मुनासिब समय आप उनको देने वाले हैं? मुझे कल रात लगभग 1:30 बजे एक मेरे निवास स्थान पर अपात्रता की याचिका की प्रत प्राप्त हुई है। उस याचिका के ऊपर जो कानूनी प्राविधान है वो सब का पालन हुआ है क्या, वो CPC से मीट होते हैं क्या, मेरिट्स पे मीट होते हैं क्या, इन सब विषयों की जांच करने के बाद इसके ऊपर उचित निर्णय लिया जाएगा। उसकी एडमिसिबिलिटी चेक की जाएगी और फिर हम इसके ऊपर निर्णय लेंगे। क्या आपके पास अब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस में स्प्लिट है, फूट है का कोई पत्र या अब तक की उस सेंस आप बना पाए हैं जिससे कि आपको पत्र मिल रहे हैं? ऐसा कोई निवेदन मेरे पास अभी तक आया नहीं है और इसीलिए इसके ऊपर विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब निवेदन आएगा स्प्लिट के बारे में तब विचार किया जाएगा और स्प्लिट के जो जो कानूनी प्राविधान है वो सब उसकी जांच की जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है नेता प्रतिपक्ष को लेकर, अपोजिशन लीडर को लेकर, उसको लेकर आपके पास किस किस के पत्र हैं जो अब तक पहुँचे हैं और किस निर्णय पर आप पहुँच रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष जो रहते हैं उसकी नियुक्ति को रिकग्निशन विधानसभा अध्यक्ष देते हैं और ये रिकग्निशन देते समय कुल मिलाकर उस विरोधी दल की संख्या और इतर प्राविधान जो है, जो संवैधानिक प्राविधान है, जो विधानसभा के नियम है, उनके अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। और ये निर्णय लेने से पहले जो पक्ष इस पद की मांग कर रहा है उस पक्ष को पहले तय करना पड़ेगा हमें, क्या वो विरोधी पक्ष में है या सत्तारूढ़ पक्ष है, तो उसके ऊपर निर्भर ये निर्णय किया जाएगा। एक सबसे अहम सवाल फिलहाल ये है कि जिस तरीके से उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ें स्पष्ट की कि लीडर हाउस के मतलब ग्रुप लीडर जो है वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस के, लेकिन अगर हम पहले देखें तो जयंत पाटिल के पास ग्रुप लीडर का पद है। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से कितने पत्र आपको ग्रुप लीडर के लिए प्राप्त हुए हैं, उसके लिए निर्णय आपको करना होगा? मेरे पास विधानसभा के मेरे कार्यालय में और विधान भवन के मेरे कार्यालय में और विधिमंडल सचिवालय में अनेक ऐसे रिप्रेजेंटेशंस आए हैं, अनेक विधायकों से आए हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशंस अजित पवार जी के पास से आए हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशंस जयंत पाटिल जी के पास से आए हैं, अन्य विधायकों से आए हैं। तो इन सब के बारे में हम विचार करेंगे। पहले तो हर रिप्रेजेंटेशन में क्या फैक्ट्स बताए गए हैं, उसमें क्या मांग की गई है, उसका हमें अवलोकन करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद ही हम निर्णय लेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।